हमारा मकान देखो किस तरह टूट फूट गया है, दरवाजे खिड़कियां तक निकल गई है और मकान मालिक है कि रिपेयर ही नहीं करवा रहा। बड़ा भैया मदद करो, अब इस भरी दुनिया में हम जाए तो जाए कहाँ? ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ह्यूमन हाउस देता हूँ। ह्यूमन हाउस? हाँ मेरे भाई, ह्यूमन हाउस वो इंसानों की तरह चलता फिरता है और बोलता भी है, तुम उसे जहाँ चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। जय हो बड़े भैया, कहाँ है ह्यूमन हाउस, कहाँ है, जल्दी दो जल्दी दो। आप जल्दी से दे भी दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर झटका। ओ यार इसका नाम माइक है, ये मकान बोलता भी है और हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसे सफाई बहुत पसंद है और रोज रात को जब लौट के आओगे तो बिना एंट्री फी लिए ये दरवाजा नहीं खोलेगा। एंट्री फी 50 रुपए है ओनली। 50 रुपए एंट्री फी? हाँ ये अपना मेंटेनेंस के लिए एंट्री फी लेता है, ये समझ लो कि रोज थोड़ा थोड़ा किराया दे रहे हो। हमें मंजूर है मंजूर है, चलो पतलू इसे ले चलते हैं और हम अपने मकान के सामने ही रहेंगे। चलो दोस्त चले। दोस्त नहीं, तुम मेरे किराएदार हो, दोस्ती बराबर वालों में होती है, मकान मालिक और किराएदार में नहीं। मोटू ये कैसा मकान है जो खुद चल रहा है? अरे ये डॉक्टर झटका से लिया है, अब हमें रहने की कोई समस्या नहीं, अब हम इसमें ही रहेंगे। मिस्टर माइक दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। एंट्री फीस 50 रुपीज, दरवाजे के साइड में स्लॉट है उसमें डाल दो। अरे हमें लगा कि डॉक्टर झटका एंट्री फीस के बारे में मजाक कर रहे हैं, अरे अगर सचमुच देना है तो शाम को दे देंगे। शाम को नहीं दिया तो? तुम चिंता मत करो, हमारे बहुत दोस्त हैं, हमने नहीं दिया तो कोई भी दोस्त दे देगा। ओके दोस्त दे देंगे। चल के देखें इस घर में क्या क्या है। वाह क्या बात है, सब कुछ है। जूते उतार कर फिर अंदर जाओ, अपने घर को साफ रखना चाहिए, चप्पल जूतों से बाहर की गंदगी अंदर आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे अपनी बकबक बंद करो, नहीं उतारते चप्पल जूते, बोलो क्या करोगे? तो उतार दी, सॉरी सॉरी मिस्टर माइक, अब फिर से गलती नहीं होगी। नहीं सॉरी सॉरी, गलती हो गई। घर में बर्तन धोने कोई नौकर आता है? नहीं नहीं हम खुद ही धोते हैं। तो फिर गंदे बर्तन किचन में छोड़कर क्यों जा रहे हो? गंदे बर्तन में मक्खियाँ कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अरे तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम ही धो लो। मैं बर्तन नहीं तुम दोनों को धोने की सोच रहा हूँ, बोलो बर्तन साफ करोगे या नहीं? दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके बर्तन साफ कर देता हूँ। एंट्री फीस दो पहले। अभी पैसे नहीं है, हम पैसे ही लेने के लिए जा रहे हैं। अब बोलो बर्तन धोने के लिए दरवाजा खोलोगे या हम जाएं? गंदगी छोड़ के जाने नहीं दूंगा। बचे।
पास। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये मकान बेच के करोड़पति बनेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और ये सोचो, करोड़पति बनेगा कौन? अरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कॉमेडियंस, मैं मकान को बेचूंगा और करोड़पति बनूंगा। अरे जॉन भाया, तुम बड़े बड़े बैंक में एंट्री कर सकते हो लेकिन इस मकान में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ जॉन को करते हो चैलेंज, बड़े नादान हो तुम, मेरे टैलेंट से बहुत अनजान हो तुम। अजनबियों का अंदर आना मना है। मोटू पतलू के दोस्त है, अजनबी नहीं है। तुम दोस्त हो उसके? जूते चप्पल उतारो जल्दी। मोटू के 50 रुपए एंट्री फीस के बाकी हैं। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो दोस्तों से ले लेना। तुम दोस्त हो उसके? 50 रुपए दो। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। और डॉन रुपए देता नहीं, लेता है। चोरी करके पैसे कमाता हूँ, सुबह सुबह कहाँ से पैसा लाऊं? चोरी तो रात को होती है। ये अब मुझसे रुपये मांगेगा, लेकिन मैं भी हिसाब किताब में इतना तेज हूँ कि इसे ऐसा कंफ्यूज करूँगा कि इसे समझ नहीं आएगा कि रुपये मांगू या ना मांगू। तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है, रुपए देते हो या फिर मजा चखाऊं? अरे जब लेना है तो एक दिन का पैसा क्यों मांग रहे हो? हैं? ये सोचो, मोटू पतलू यहाँ 10 साल रहते तो 50 रुपए के हिसाब से कितना होता। हाँ, पूरा एडवांस ले लो उनसे। रोज रोज मांगने का चक्कर ही क्यों रखना है? जोड़ो जोड़ो 50 रुपए रोज के हिसाब से 10 साल का, और फिर उस पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो तो कितना होगा? हर साल के इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा दो तो कितना होगा? 10 लाख रुपए। हाँ देखा, मैंने तुम्हारा कितना फायदा करा दिया। अब मोटू पतलू आए तो पूरे 10 लाख मांग लेना। हाँ उनसे नहीं, दोस्तों से लूंगा। तुम दो 10 लाख रुपए, वरना जाने नहीं दूंगा। ले लो तुम्हारे 50 रुपए। 50 नहीं, 10 लाख रुपए दो, पूरे 10 साल का एक साथ। रोज रोज कौन मांगेगा? अरे 10 साल का भी 10 लाख नहीं होता, कैसे हिसाब किया है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट। सॉरी गलती हो गई थी, 10 लाख नहीं 10 करोड़ देना है। मैं 10 करोड़ तो क्या, 10 पैसे भी नहीं दूंगा। बड़े भैया इसे समझाओ। बड़े भैया बाद में समझाएंगे, पहले मैं समझाता हूँ। यार मकान में मेन फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काट दो, फिर ठीक हो जाएगा। इसका चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाएगा। है 10 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। मोटू तुम इसे उलझा के रखो, मैं इसके अंदर जाके फ्यूज बॉक्स का रेड वायर काटता हूँ। लोगों की वजह से हम बुरे फंसे हुए हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इस मकान को ठीक करना है। अरे मारो मारो। आ, 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 आ,
बल्ले। थैंक यू पतलू, हम बच गए, बच गए। ओए पतलू मेरे यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना इन्हें तो उम्र कैद हो जाती। मकान इन्हें छोड़ता ही नहीं था। हाँ सौ करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए दो, वरना